कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की दौड़ जब से शुरू हुई थमने का नाम नहीं लिया। साल दर साल नए प्रोडक्ट्स, साल दर साल नए फॉर्मूले। ह्यूमन बॉडी के रखरखाव और उसे निहारने के क्रम में तमाम प्रोडक्ट्स इस वक्त मार्केट में हैं। शैम्पू सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स में से एक है, लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को चौंका दिया है। जी हाँ, दरअसल जानी मानी कंपनी यूनिलीवर के कई शैम्पू ब्रांड्स में कैंसर पैदा करने वाला केमिकल पाया गया है। यूनिलीवर ने डव, नेक्सस, सुआवे, टिगी और ट्रेस्मे एरोसोल ड्राई शैम्पू को अमेरिकी बाजार से वापस मंगाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें बेंजीन की मौजूदगी पाई गई है। इस केमिकल से कैंसर हो सकता है। अमेरिका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA के मुताबिक ये प्रोडक्ट्स अक्टूबर 2021 से पहले बनाए गए थे और पूरे देश में रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी किए गए। इनमें डव ड्राई शैम्पू वॉल्यूम एंड फुलनेस, डव ड्राई शैम्पू फ्रेश कोकोनट, नेक्सस ड्राई शैम्पू रिफ्रेशिंग मिस्ट और सुआवे प्रोफेशनल्स ड्राई शैम्पू रिफ्रेश एंड रिवाइव शामिल है। बेंजीन से इंसानों में कैंसर हो सकता है। FDA ने अपने रिकॉल नोटिस में कहा कि बेंजीन कई तरह से इंसान के शरीर में जा सकता है। ये सूंघने, मुंह के जरिए और स्किन के जरिए शरीर में जा सकती है। इससे ब्लड कैंसर हो सकता है। FDA का ये भी कहना है कि लोगों को ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बंद करना चाहिए और अपने पैसे वापस लेने चाहिए। सवाल एरोसोल पर भी उठ रहे हैं। यूनिलीवर के इस कदम से एक बार फिर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में एरोसोल की मौजूदगी पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले 1.5 साल के दौरान कई एरोसोल सनस्क्रीन्स को बाजार से वापस मंगाया गया है। इनमें जॉनसन एंड जॉनसन का न्यूट्रोजिना, एजवेल पर्सनल केयर कंपनी का बनाना बोट और बेयर्स ड्रॉप एजीज का कॉपर टोन शामिल है। पिछले साल प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने भी 30 से अधिक एरोसोल स्प्रे हेयर केयर प्रोडक्ट्स वापस मंगाए थे। इनमें ड्राई शैम्पू और ड्राई कंडीशनर शामिल थे। कंपनी ने चेतावनी दी थी कि इन प्रोडक्ट्स में बेंजीन हो सकता है। कंपनी ने साथ ही एक दर्जन से अधिक ओल्ड स्पाइस और सीक्रेट ब्रांड्स के डिओड्रेंट्स और स्प्रे वापस मंगाए थे। कंपनी ने आशंका जताई थी कि इनमें बेंजीन हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार P&G ने भी पिछले साल दिसंबर में बेंजीन के मिश्रण का हवाला देते हुए अपने पैंटीन और हर्बल एसेंस ड्राई शैम्पू को वापस मंगाया था। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जॉनसन बेबी पाउडर बनाने का लाइसेंस रद्द कर दिया था। पाउडर के सैंपल स्टैंडर्ड क्वालिटी पर खरे नहीं उतरे थे। फिलहाल जब तक जांच जारी है, FDA का यही कहना है कि आप इन प्रोडक्ट्स का यूज ना करें।